लड्डू के पेट में पानी पानी हो गया अचानक से, मतलब गाड़ी के ब्रेक लगे और स्लिप हो गई। बहुत तेज धूप हो रही है यहाँ पे, सब है पीछे से हाय वाय कर दो हाथ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बॉबी लार्सन्स ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम शामली जा रहे हैं गांव में, बिकॉज हमारी छोटी दीदी है, बुआ की लड़की, उनकी शादी है। तो आज मैं, पापा, लड्डू, परी और दीदी जा रहे हैं, मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों यहीं पे हैं। सो अभी तो फिलहाल हम सब रेडी है और सब निकलने वाले हैं। यहाँ पे पापा भी रेडी है, लड्डू भी, और अभी हमारी निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सो चलते हैं, लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मैंने अभी तो जैकेट उतार के रख दी। ये परी हमारी मेकअप कर करके आई है, परी को यहाँ से पाउडर लगेगा थोड़ा सा मेकअप। हम सब अमित भाई गाड़ी में फिट हो गए हैं और ये पीछे लड्डू परी आगे पीछे होकर बैठते रहियो। और यार मेरी जैकेट तो दूसरी वाली गाड़ी में छूट गई, हमारी वाली में। अक्कू को दिखाओ, पन्नी में ही था ना ये वाला। अक्कू नहीं, ऐसी रख रखी है गाड़ी पे। हाय कर दो, हाय ऊपर, हाय कर दो, हाय मम्मी दे देना। अच्छा अभी जगह और रुके हैं, यहाँ पे भी शादी है तो अभी यहाँ पे हम सब रुके हुए हैं। और फिर उसके बाद छोटी दीदी के भी जाएंगे, मतलब छोटी दीदी की सगाई में भी जाना है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, नाश्ता वास्ता होगा, नाश्ता वास्ते के बाद यहीं से निकल जाएंगे। तो अभी दीदी वगैरह और हम सब ऊपर हैं, अमित भाई, अभी तो फिलहाल मैं ही रूम में अकेला हूँ। सब लोग आ गए हैं, भाभी जी, मिंटू भाई और मुन दीदी, परी, रौनक, सब यहीं पे है ऑन ड्यूटी। अरे वाला अक्कू हलवा खा रहा है, खाना पीना सब खा रहा है। और वहाँ पे पापा गोलगप्पे खा रहे हैं, जो कि मम्मी से छुप के खा रहे हैं, मम्मी के फेवरेट गोलगप्पे। तो ये मम्मी ज़रूर देखेगी और पापा को थोड़ा सुनाएगी। ये पापा को बहुत तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे, सब है पीछे से हाय वाय कर दो, हाथ हाथ हिला दो। अक्कू, अक्कू तो बिजी है हमारा। तो भाई धूप बहुत तेज़ हो रही है, ऐसे हम लोग निकल चुके हैं सब और धूप बहुत तेज़ हो रही है। सुबह तो बहुत तेज़ ठंड लग रही थी और अभी गर्मी लग रही है। और ये पीछे परी मैडम आ रही है हमारी, सबसे अकेले अकेले अलग में, और बाकी सब चले गए आगे। और यहाँ पे मिंटू भाई, मैं और परी सरसों के खेत में आए हैं फोटो खिंचवाने के लिए, भाभी और मैं, भैया ने रोक ली गाड़ी। सो गाइस, ये रहा हमारे सरसों के खेत, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गांव के। सो गाइस, अभी इनके अंदर भी चलते हैं। पेट में पानी पानी हो गया अचानक से, मतलब गाड़ी के ब्रेक लगे और स्लिप हो गई, इसलिए लड्डू हमारा डर गया, बच्चा बेचारा। ग्रिप तो बहुत है, कितनी रुकेगी, 100 पे चल रही है भाई, 80 पे। हाँ, और वो नए है ना, तो उसके ब्रेक लग जाएंगे, वो नए है। सब लोग पहुंच चुके हैं और बहुत थक गए, क्योंकि 9:30 बजे निकले थे और अभी 2:20 हो रहा है, मतलब बैठे बैठे थक गए बहुत दूर। डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और ये हमारे अंशु भाई, और वहाँ ऊपर खाना वाना हो रहा है, वहाँ पे ऊपर टेंट लगा हुआ है। और अभी अंदर दीदी वगैरह सब बैठी है, सब अंदर ही है, और हम लोग थोड़ा अभी बाहर घूम रहे हैं। फिलहाल तो हम अपने आईफोन के लिए चार्जर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आईफोन बैटरी भी कम है, तो यहाँ पे देखते हैं शायद किसी पर मिल जाए, मिल गया तो अच्छी बात है, वरना फिर
ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। कार में है बिकॉज फ़ोन चार्ज नहीं था और फ़ोन चार्जिंग लगाने यहाँ पे आए थे क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी। गांव में लाइट का भी थोड़ा ऐसे सिस्टम होता है, लाइट कभी आती है कभी नहीं आती, तो हमने एक भाई से डाटे के बाद लेके फ़ोन यहीं पे चार्जिंग पे लगाने आ गए थे। अभी फ़िलहाल दीदी का फ़ोन आया तो जाते, खाना वाना स्टार्ट हो गया खाना खाने, अभी तक तो हम यहाँ पे लेटे रहते आराम से मस्त, अब जाते हैं वहाँ पे खाना वाना खाने के लिए। सो चलते हैं अभी फिर। तो गाइस ये देखो, ये सबसे पहले लग गए हमारे प्लेट में बुक्कड़ों की तरह, मतलब हमारा भी इंतजार नहीं किया। चलो फिर खा लो। लाइट नहीं आई थी कुछ, मतलब फंक्शन ख़त्म हो चुका है, सबने मतलब सब कुछ अटेम्प्ट किया और मज़ा आया बहुत। अभी फ़िलहाल सब घर जा रहे हैं, शाम के कुछ 5:30 होने वाले हैं और सारी गाड़ी वाड़ी निकाल दी। वैसे बस ये भाई के वाले अंदर, अमित भाई वाले के साथ जाएंगे और ये हमारा ही है, ये रख लो। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से सब। और ये परी का तो मेकअप हल्का हो गया था, परी ने यहाँ के दोबारा से टचअप किया, तो फिर निकलते हैं यहाँ से गाइस। और अंशु भाई भी निकल रहे हैं, चलो फिर मिलते हैं खोड़ा पहुँच के, ठीक है। अभी सी एन जी पम्प पे रुके हैं सी एन जी भरवाने के लिए। और अक्कुरा अक्कू सो जाओ, सो जाओ, क्या हुआ। और भाभी भी गई वॉशरूम, लेट गए हमारे साथ, सो जा सो जा, लेट जा, मैं आगे बिठा लूंगा। ले ले लेगा क्या, ले ले, जा चाचू के पास जाओ। तो अभी यहाँ पे भाई सी एन जी भरवा रहे हैं, और फिर सी एन जी भरवाने के बाद हम लोग चलते हैं। और टाइम हो रहा है 9:08 और अभी मम्मी ने पुलाव बनाया है, भूख लग गई है दोबारा से क्योंकि 4:30 बजे गाइस हमने खाना खाया था, जब उस टाइम हम निकले थे 5 बजे वहाँ से निकले थे और अभी 9 बज रहे हैं। तो अभी पहुँच गए लगभग, कम से कम हमें 4 घंटे लग गए हैं आने में और 5 घंटे में जाने में लगे थे। तो बैठे बैठे भी इंसान यार बहुत थक जाता है, तो अभी भी बहुत थक गए हैं लेकिन मज़ा भी बहुत आया। तो अपनी वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।